राजस्थान के शिक्षक पात्रता परीक्षा के पर्चा लीक मामले में हाल ही में एसओजी ने एक गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है, जिसमें सरगना उदाराम और राम कृपाल मीणा समेत अब तक कुल 35 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आरोपी राम कृपाल ने पेपर के बदले उदाराम को 1,22,00,000 रुपए दिए थे। ऐसे में अब इस मामले में राजस्थान सरकार और सख्ती बढ़ा रही है। जानकारी के अनुसार रीट पेपर आउट करने के मुख्य आरोपी राम कृपाल मीणा का एसएस कॉलेज सरकार ने ढहा दिया है। कॉलेज को कब्जे की जमीन बताकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अब 15 साल से संचालित इस एसएस कॉलेज और सीनियर सेकेंडरी कॉलेज के छात्रों को सरकार दूसरे स्कूल और कॉलेज में शिफ्ट करेगी। कॉलेज मालिक राम कृपाल मीणा को एसओजी ने रीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। मीणा पर स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर निकालकर 1,22,00,000 रुपए में बेचने के आरोप लगे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में भाजपा रीट परीक्षा में कथित धांधलियों को मुद्दा बनाए हुए है और मांग कर रही है कि इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए। इस पर गहलोत ने कहा, विपक्ष को इस मामले में अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनका रवैया सकारात्मक नहीं है। वह हर चीज की आलोचना कर रहे हैं। बेरोजगारी देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने मामले की जाँच एसओजी को सौंपी है और एसओजी पूरे मामले में तह तक जा रही है।